स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं रजिस्टर्स इन सीरीज। रजिस्टर्स इन सीरीज में क्या होता है कि हमारे पास टू और मोर रजिस्टेंस जो होती है उसको हम एक सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में क्या होता है कि एक रजिस्टेंस का जो स्टार्टिंग एंड होता है दूसरे के एंडिंग एंड के साथ होता है, ठीक है। तो जो दूसरा दूसरे रेजिस्टेंस का एंडिंग एंड है वो पहले वाले के साथ अटैच नहीं होता, वो किसी और रेजिस्टेंस के साथ अटैच होता है। इसको हम रजिस्टर्स इन सीरीज कहते हैं। जबकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में एक रजिस्टर्स के जो दोनों एंड हैं वो दूसरे रजिस्टर्स के दोनों एंड के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम रजिस्टर्स इन सीरीज करने जा रहे हैं, ठीक है। और जिसमें हमने क्या करना है, एक्टिविटी 12.4 वो क्या एक्सप्लेन कर रही है कि हमने क्या किया, रजिस्टर्स को जैसे 2 ओम, 1 ओम और 3 ओम को सीरीज में ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने ये बैटरी ज्वाइन कर दी है और फिर प्लग की जो है वो लगा दी और इसको क्लोज कर दिया। मैंने यहाँ पर एम मीटर की जो पोजीशन है वो यहाँ पर रखी हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा कि जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया यहाँ पर एमीटर रीडिंग शो करने लग गया। नेक्स्ट सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, सर्किट सेम रखा, बस सिर्फ पोजीशन जो थी एमीटर की वो चेंज कर दी। पोजीशन चेंज करने के बाद फिर मैंने स्विच ऑन किया और एमीटर की रीडिंग चेक की। दोनों में मुझे ये लगा कि वैसे कि दोनों में जो एमीटर की रीडिंग थी वो सेम थी। तो इससे ये पता चलता है कि एमीटर सीरीज में कनेक्ट रहना चाहिए बस, फिर चाहे उसकी पोजीशन इस सर्किट में कहीं पर भी हो, वैल्यू जो करंट की है वो चेंज नहीं होगी। चाहे इधर लगा दो चाहे आप इधर लगा दो, पूरे सर्किट में जो वैल्यू करंट की क्या रहेगी सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने सर्किट बनाया जिसमें हमने क्या किया, इन तीनों का जिसका रेजिस्टेंस जो था वो एक का 2 ओम था, एक का 1 ओम था और एक का 3 ओम था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पर एक वोल्ट मीटर लगाया और उसको मैंने डिनोट कर दिया वी से। फिर मैंने अलग अलग रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर अटैच किए। जैसे 2 ओम वाले पर अटैच किया उसका नाम V1 हो गया, और दूसरे पे अटैच किया V2 हो गया, और तीसरे पे अटैच किया V3 हो गया। जैसे ही मैंने इसके स्विच को क्लोज किया तो इसमें जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर ये जो V है ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो इसका यहाँ पर हम सप्लाई कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ये वैल्यू बताता है। तो जो क्या हुआ, V आया। फिर मैंने क्या किया, V1, V2 और V3 की भी वैल्यू साथ साथ में नोट की, और मुझे पता लगा कि जो ये जो V1, V2, V3 की वैल्यू थी इन तीनों का सम जो है वो इक्वल आ रहा था कैपिटल V के। यानी कि जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस था, इन तीनों का जो टोटल है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल था। अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 थी और दूसरी रेजिस्टेंस हमारे पास R2 और थर्ड रेजिस्टेंस क्या थी, R3 थी। हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस
R1, R2 एंड R3 हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है, ये इनका टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर शो कर रखा है। तो R क्या है आपका यहाँ पर? टोटल रेजिस्टेंस। इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह देते हैं। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है एग्जाम में। तो करंट फ्लो हो रहा है, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो R1 के लिए जो हमारे पास V1 आएगा, V1 आपको पता है जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। V1 इज इक्वल टू IR1। देखो यहाँ पर जो करंट है, करंट देखो चेंज नहीं हो रहा है। मैंने भी देखा कि यहाँ पर रख दूंगा, यहाँ पर रख दूंगा, मेरा करंट जो है वो चेंज नहीं। V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। अब क्या करना है, V1, V2, V3 की जो वैल्यू है वो इसमें फिल कर देनी है। V की वैल्यू IR थी, V1 IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसमें से I कॉमन आ रहा है, I कॉमन निकाल लिया, I से I कैंसिल हो गया और आपके पास R रेजिस्टेंस आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये मेरे पास टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई और इसको हम RS भी लिख देते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस है। तो एग्जाम्पल 12.7, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो एक लैम्प मैंने लिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 20 ओम है, और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, उसको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और इसमें मैं 6 वोल्ट की सप्लाई कर रहा हूँ। ये बैटरी जो लगी हुई है वो 6 वोल्ट बैटरी यहाँ पर लगाई गई है। हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसमें जो ये इन दोनों के जो रेजिस्टेंस आ रहा है टोटल, वो हमने फाइंड करना है। सेकंड पार्ट हम फाइंड करेंगे द करंट थ्रू द सर्किट, और जो एमीटर रीडिंग दे रहा है वो कितनी रीडिंग दे रहा है, यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी है वो फाइंड करेंगे। थर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड अ कंडक्टर। तो हमने एक यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है और फिर अलग अलग यहाँ पर पता करना है। तो सबसे पहले तो हम टोटल रेजिस्टेंस पता करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस के लिए आपको जो लैंप की रेजिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, जो लैंप की रेजिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 20 ओम, और जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम। तो मेरे पास जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि सीरीज रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा RS इज इक्वल टू RL प्लस RC। तो मेरे पास जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 20 प्लस 4, दैट इज 24 ओम। तो ये मेरे पास टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब क्योंकि मैंने फाइंड करना है करंट थ्रू द सर्किट, तो करंट फाइंड करने के लिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IRS। तो V की जो वैल्यू है वो आपको पता है, वो कितनी सप्लाई कर रखी है, 6 वोल्ट सप्लाई कर रखी है। तो यहाँ पर आ जाएगा V इज इक्वल टू 6। I हमने फाइंड करना है, RS कितना है, 24। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, 6/24। तो कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 6, 6 × 4 = 24। तो 1/4 एम्पियर जो है वो हमारे पास करंट आया है। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नहीं डिवाइड होता तो 0 पॉइंट लगाएंगे। 4 × 2 = 8, यहाँ पे आ जाएगा 2 20, 4 × 5 = 20। तो मेरे पास जो करंट की वैल्यू आ रही है सर्किट में, जो एमीटर रीडिंग देगा वो देगा 0.25 एम्पियर की रीडिंग देगा। मेरे पास सेकेंड पार्ट भी मेरा सॉल्व हो चुका है। अब मेरा जो पार्ट रह गया वो थर्ड पार्ट रह गया सी, कि हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पर भी फाइंड करना है कितना है और यहाँ पर भी।
लेट कर लेते हैं, यहाँ पर V1 आया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। तो अब लैंप के लिए जो है, लैंप के लिए हम ले लेते हैं VL, VL मतलब लैंप का, जो लैंप में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, और करंट जो है सेम ही फ्लो कर रहा है इसलिए करंट आ ही रहेगा, पर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, RL हो जाएगी। तो VL आपके पास जो गिवन है वो हमने, सॉरी वो फाइंड करना है। I आपके पास 0.25 आया, और यहाँ पर जो लैंप का रेजिस्टेंस जो था वो कितना था, 20 ओम था। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, VL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मेरे पास ये जो VL ये 5 वोल्ट आया। नेक्स्ट, अब मैं फाइंड करूंगा कंडक्टर के लिए, वो IRC लगाऊंगा फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा इसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस ये रहेगा। तो वो कितना हो जाएगा, VC इज इक्वल टू 0.25 जो है सेम करंट फ्लो हो रहा है। RC आपके पास कितना था इसमें रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस था 4 ओम। तो VC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 5 20 2, यानी कि 1 वोल्ट। तो अगर मैं इसको टोटल करूंगा VL प्लस VC को, तो वो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट, और ये हमने टोटल अप्लाई कर रखा था 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी,